रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें, मेरी दुआ है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं संडे मॉर्निंग से। तो अब बज रहे हैं सुबह के 8 और इसके आज तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है माशाल्लाह से। आज तो बहुत ही प्यारा और खुशगवार सा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं जी। तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो मैं थोड़ा छत पे आ गई ताज़ा हवा लेने के लिए। बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो बस यही दुआ है कि हमारा हर आने वाला दिन जो है खुशियों से भरा हो और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, और सैलाब जदगान जो आजकल फंसे हुए हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर करें, जो बेघर हो गए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए और सब लोग खुश रहें। जो परदेश में हैं, घरों से बाहर हैं, अल्लाह ताला सबकी मदद करे। व्यूअर्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब बनाऊँगी जल्दी से नाश्ता, क्योंकि संडे वाले दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मशीन लगाओ, ये करो, वो करो, बाज़ार जाओ, एक दिन होता है छुट्टी का और वो भी भाग भाग में ही गुजर जाता है। कहाँ जाते हैं, जैसे आप मुझसे पूछना चाह रहे होते हैं कि आपकी क्या मसरूफियात है, क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन चाह रहे होते हैं, तो आप भी बताइए कि आप लोग कहाँ से हमें देख रहे हैं और कौन सी रेसिपी हमें चाहिए, आपको चाहिए तो आप बताएं हमें, हम ज़रूर अपलोड करेंगे। और एक दो व्यूअर्स ने कहा था कि सीटू आलू की सब्ज़ी जो है वो अपलोड कर दें और खीर की रेसिपी और दलीम की, तो एक टाइम में तो मैं अपलोड नहीं कर सकती, लेकिन वन बाय वन करके मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में सब वीडियो अपलोड कर दूंगी। और आपकी भी अगर कोई पसंद की रेसिपी है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और आपका सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही इंशाल्लाह मैं कामयाब होंगी और आप लोगों की ज़रूरत है मुझे। और हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप इसको हम पलट लेंगे और आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि आज मैं स्पेशल क्या बनाऊंगी, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जी। पराठे हमारे तैयार हो रहे हैं, 3 से 4 पराठे बनाएंगे हम, और क्योंकि 3 मेरे बच्चे हैं और हस्बैंड और मैं, और साथ ही मैं बना दूंगी चाय, एक साइड पे मैंने चाय रख दी है। उधर जे चाय भी साथ में बन जाएगी जी। आपसे बातें करते करते हमारा नाश्ता भी तकरीबन रेडी ही होने वाला है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरा कामयाब हो सकूंगी। आपका एक लाइक किसी की तकदीर बदल सकता है, किसी की मुश्किलें आसान कर सकता है, तो आप ज़रूर अप्रिशिएट करें जी। व्यूअर्स, आपसे बातें करते करते हमारा नाश्ता भी तैयार है और हमारी कड़क सी चाय भी, और अब हम करेंगे नाश्ता और बाकी के काम फ्री करके फिर आपसे मिलेंगे। हमारा सिंपल सा सादा सा नाश्ता है, पराठे हैं, दही अचार, और रात तुझे आलू का सालन बनाया हुआ था वो मैंने साथ में गर्म कर लिया है, तो अब हम करेंगे। धोए हैं, अब फिर से किचन में आई हूँ तो छोटी बेटी बना रही थी ब्रेड और आलू के स्नैक्स, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे बना रही थी। बच्चे अगर कुछ करें तो इनकी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें, ऐसे ही छोटे छोटे बातों और कामों से ही सीखते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारे से स्नैक तैयार करेगी। और आपको बता दूं कि वीडियो अपलोडिंग का टाइम जो है मैंने 7:30 बजे का रखा है, तो 7:30 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूंगी, क्योंकि घर के कामों में फ्री होके तो वो टाइम ही मेरे लिए बेस्ट है। देखें कितने मज़े से के स्नैक्स तैयार कर लिए हैं इसने, और अब बनाऊँगी मैं बर्फ़ी। दिल कर रहा है आज कुछ मीठा खाने को, तो आज मैं बनाऊंगी बर्फ़ी, और वो भी किचन में जो चीज़ें हैं उसी से और एक बजट में, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और मिनटों में बन भी जाएगी। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं।
इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। इसके लिए पहले लेंगे ब्रेड और इसके किनारे को हम काट लेंगे। ब्रेड के किनारे को हमने अच्छे से काट लिया है और अब हम इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। और इसमें ये स्पेशल बर्फी बनाने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें हमारे घर में हमारे किचन में मौजूद हैं। अब हम शामिल करेंगे एक प्याले के करीब है बलाई, जो हम दूध से उतार के रख लेते हैं, फ्रिज में फ्रीज हो भी होती है। इसको मैंने निकाल के रख लिया था। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको जग में डालकर जूसर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। दूध और बलाई जिसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको हम जलेंगे डालेंगे जग में और इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी या दूध। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दूध और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ब्रेड और बलाई को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से पेस्ट सा बन गया है। अब हम लेंगे देगची, चूल्हे को करेंगे ऑन और इस यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो दूध जो कि सभी घरों में मौजूद होता है। ये इसके अंदर डालेंगे और इसको बॉईल होने देंगे। दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 सब्ज़ इलायची। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं खुशबू के लिए। और इसमें शामिल करूँगी मैं थोड़ा सा रोज़ एसेंस खुशबू के लिए और साथ ही शामिल कर दूंगी ब्रेड और बलाई जो हमने ब्रेड करके रखी हुई थी। और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको बनाएंगे, इसको गाढ़ा होने तक, और फ्लेम कर देंगे स्लो। जी देख सकते हैं कि ब्रेड और बलाई इसके अंदर ठीक होना शुरू हो गई है और इसका चमचा आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहें। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसका चमचा आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहें। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे मीठे के लिए 1 कप चीनी। अपने टेस्ट के हिसाब से आपको ज़्यादा पसंद है कम है तो वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चमचा चलाते रहेंगे और मज़ीद इसको गाढ़ा होने देंगे। ये देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी सी हो चुकी है। मज़ीद हम इसको 2 से 4 मिनट और बनाएंगे और गाढ़ा होने देंगे। आप देखेंगे कि इतने से कम से सामान में प्लेट भर के बर्फी तैयार होगी और इतनी मज़ेदार तैयार होगी कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी और कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इतने कम इंग्रेडिएंट्स और इतने कम टाइम में इतनी मज़ेदार बर्फी बनाई है। एक बार आप ही ज़रूर ट्राई करें। जी आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है, खोया सा बना हुआ है बिल्कुल, और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि पतीले से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और बहुत अच्छे से फॉर्म में आ गया है। अब हम चूल्हा कर देंगे बंद और इसको किसी प्लेट या डिश में निकाल लेंगे। अब हम इसको निकालेंगे एक डिश में और अच्छे से फैला देंगे। डिश में डाल के हमने अच्छे से फैला लिया है और इसको ऊपर से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि फिर अच्छी सी टुकड़ियां काट होंगी इसकी। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितनी अच्छी लुक लग रही है। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इस पर कर देंगे गार्निश ड्राई फ्रूट की, इससे इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में, ठंडी होने पर फिर हम इसको काटेंगे। जी जो बर्फ़ी हमने ठंडी होने के लिए रखी थी 1.5 से 2 घंटे के लिए, अब हम इसको काट लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी सिल्की स्मूथ सी और बहुत ही प्यारी सी कम इंग्रेडिएंट्स में बर्फ़ी हमारी तैयार है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स में और इतने कम टाइम में इतनी अच्छी डिश भर के बर्फ़ी बना लेंगे। अब हम इसको
काट लेंगे। बर्फी को हमने कट कर लिया था और इसको हमने प्लेट में डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सी बर्फी तैयार है। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।